हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं शिव शंकर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं कि ये वोवेल 6 kg ये सैमसंग की वॉशिंग मशीन है। तो इसी पे हम आपको कुछ वीडियो बना के दिखा रहे हैं। तो ये कार्य कैसे करेगी, इसका फंक्शन कैसे काम करता है और इसको हम कैसे चलाए, इसी पे वीडियो है। तो आपको पूरा हम डिटेल इसके बारे में बताएंगे। तो ये हमारे पास बिल्कुल अभी नई वॉशिंग मशीन है। तो हम ये सिर्फ आपके लिए ही वीडियो बनाने के लिए हम इस वॉशिंग मशीन को लिए हैं, क्योंकि हमारे पास फ्रंट लोड की वॉशिंग मशीन बहुत थी और उसी पे हम ज़्यादातर कार्य करते थे। लेकिन अभी हम ये सैमसंग की टॉप लोड की वॉशिंग मशीन लाए हैं, बस इसी पे अब हम वीडियो बनाएंगे और आपको हम दिखाएंगे पूरा इसमें डिटेल कि इसमें क्या क्या खराबी होता है, इसी पे हम वीडियो रहते। तो ये सैमसंग की ओवेल की 6 kg की वॉशिंग मशीन है। इसकी जो मोटर है, मोटर की 10 ईयर वारंटी है, सिर्फ मोटर की है, और 2 साल की इसके और जो पार्ट है उसकी वारंटी दे रखी है कंपनी ने। तो हम इसको खोलते हैं, दिखाते हैं इसमें। इसमें आपको दिखाते हैं एक ये पाइप मिलेगी जो ये पानी के लिए काम आएगी, और दूसरी पाइप हमारी ये ड्रेन पाइप होगी, ड्रेन पाइप के काम आएंगी। तो ड्रेन पाइप को इसको आपको पीछे साइड लगाना, उसको हम दिखाएंगे। और इसका जो ड्रम है, ड्रम बहुत ही अच्छा है, ये डायमंड शेप टाइप ड्रम है और ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा ड्रम है। तो इसमें एक मैजिक फिल्टर लगा होता है, इस मैजिक फिल्टर को हम निकाल के साफ करेंगे। इसको निकालना, साफ करना बहुत ही अच्छा है। तो हम इसको यहाँ से प्रेस करेंगे, प्रेस यहीं पे लगा दी, इसको प्रेस करने के बाद यहाँ से निकालेंगे और इसको बिल्कुल साफ सुथरा हम कर देंगे। इसमें जाली लगी होती है, इसी जाली को हमें साफ करना है। इसे फिर इसको हम बंद कर देंगे साफ करके, और फिर इसको हम इसी तरह इसमें बैठा देंगे। इसको बैठाना बहुत आसान है, ये बैठ गया। और ये यहाँ पे ये लगे, एक तरफ से हुई लगे, जो कपड़े को आपस में सिमटने नहीं देता, आपस में उलझने नहीं देता। इसका एक एक कपड़ा ही अलग रहेगा और ये उसमें हेल्प करता है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट है। और हमारे पास ये मॉडल की है, मैं दिखा रहा हूँ आपको वॉशिंग मशीन WA60M4300HD/TL सैमसंग की है। इसमें टोल फ्री नंबर भी दिए हैं और ये देखो वोवेल टेक्नोलॉजी है और ये सैमसंग की वॉशिंग मशीन है। अब हम इसमें सबसे पहले इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास एक पाइप होती है, एडाप्टर पाइप होती है। इसको हम पीछे साइड यहाँ पे देखेंगे, इसको हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। टाइट हो गया। और इसका जो दूसरा भाग है ये देखो, इसको हमें इन हाल पे टाइट कर देना है, इसको पेज को लूज करना है। इसको भी आपको हम टाइट करके दिखाते हैं। इस एडाप्टर को हमें बाहर निकाल लेना है, इसे प्रेस करना है कि जो, और ये आसानी से निकल गया। अब ये वाला भाग हमें इसमें टोटी में पहना देना है, पहना के पेज से इसको टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद रहा था, अभी इस तरह से लग जाएगा, फिर आपको इसको चलाना है। अब हम यहाँ पे ड्रेन पाइप को लगा देंगे, ये हमारा ड्रेन पाइप लग गया, अब यहीं से पूरा ये ड्रेन पानी निकल जाएगा। तो अब हम दोस्तों इसकी सप्लाई ऑन करते हैं और फिर आपको एक एक इसमें फंक्शन हम बताते हैं इसमें क्या क्या। चलो यहाँ से हम पावर ऑन करेंगे। अब देखिए हम पावर ऑन कर दिए हैं,
तो सबसे पहले आपको ये फंक्शन देखना है, यहाँ पे जो फंक्शन दिख रहा है, तीन लाइट जल रही है, आपको वॉश करना है या रिलीज करना है या स्पिन करना है। तो इसी फंक्शन से सब चेंज हुए, देखो खाली वॉश चल रहा है, रिलीज चल रहा है और स्पिन चल रहा है। ये एक एक होगा, फिर आप दबाएंगे तो तीन, तीनों, इसी तीनों को आपको करना है। फिर आपको वाटर लेवल लेना है, वाटर लेवल कितना पानी लेना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, 5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5। तो आपके कपड़े के ऊपर है कि आपको इसका वाटर लेवल कितना लेना है। फिर हम चलते हैं, यहाँ पे एक साइकिल लिखा हुआ है, साइकिल से आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके कौन से प्रोग्राम में आपको कपड़े की धुलाई करना है। एक नॉर्मल है, क्विक वॉश है और डेलिकेटेड है, अशोक नॉर्मल है, ब्लैंकेट है और इको ट्यूब क्लीन है और एक है इसमें डेली इन। तो हम ज़्यादातर नॉर्मल पे ही करते हैं, नॉर्मल पे जैसे टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, इन इन चीज़ों को इसमें धुलाई होता है, जो नॉर्मल चीज़ होता है। और एक इसमें क्विक वॉश है, इसको चेंज कैसे करते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक स्विच है देखो साइकिल, तो इस पर जब प्रेस करेंगे तो ये रेड लाइट हट के यहाँ चली गई, फिर इसको हम प्रेस करेंगे तो देखो डेलिकेटेड, अगर इसको दबाएंगे तो ये हट के यहाँ चले, चलो हम इसको दबाते हैं, ये यहाँ पे आ गया देखो डेलिकेटेड आ गया, फिर इसको दबाएंगे शोक नॉर्मल पे आ गया, लेकिन इसका जो टाइमिंग है वो बढ़ता जाएगा, टाइमिंग बढ़ता जा रहा है। फिर हम इसको दबाते हैं, देखो दबा रहे हैं, अभी ये हमारा यहाँ ब्लैंकेट पे चला गया, 74 हो गया टाइम। फिर यहाँ पे जाएंगे इको डिले, इको ट्यूब क्लीन, तो ये काम होता है पूरा ट्यूब जो इसमें ड्रम के अंदर जितनी गंदगियां हैं सब वो निकाल के बाहर करता है, इस पे जाएगा। तो इस प्रकार से फंक्शन है, इस फंक्शन पे आपको काम करना पड़ेगा। तो आप जो क्विक वॉश होता है इसका मतलब होता है जल्दी जल्दी प्रोग्राम कर देना, अभी तो ये 60 मिनट दिखा रहा है, तो इस पे क्विक वॉश पे जाओगे तो जल्दी जल्दी दिखाएगा। जैसे हम चलते क्विक वॉश पे देखते हैं, यहाँ पे 32 मिनट, मतलब 32 मिनट के ही अंदर सारा प्रोग्राम करके वो कर देगा। तो इसमें डेलिकेटेड पे चलते हैं, इसमें ज़्यादातर जींस पैंट की ही धुलाई होती है, इसमें रोक रोक के रगड़ रगड़ के धुलाई करना पड़ता है, तो ये डेलिकेटेड इस पर काम होगा। फिर एक ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट का मतलब आप समझते होगे, जैसे जो कम्बल उम्बल आते उस टाइप के, तो इसमें धुलाई होती है, तो सोक नॉर्मल इसमें तो नॉर्मल नहीं होती, तो ज़्यादातर हम इसी नॉर्मल पे ही इस पर हम धुलाई करते हैं। चलो हम नॉर्मल पे आ गए, इसको प्रेस करते जाएंगे, यहाँ इंडिकेशन आ गया नॉर्मल पे। अब इसको हमें स्टार्ट करने पर पहले क्या एक चीज़ और आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मॉनसून, इसमें ये होता है कि ये मौसम के अनुसार इसको 15 या 30 पे आपको करना पड़ेगा। जैसे हम इसको दबाते हैं 15-30 का मतलब होता है कि अगर ठंडी हुआ, ठंडी में इसको 30 मिनट पे कर दो तो बिल्कुल उसका कपड़े का बिल्कुल पानी इतना निचोड़ देगा, उसमें पानी बिल्कुल नहीं रहेगा, बस मात्र 3-4% ही उसमें रह जाएगा। तो इसका होता है फंक्शन, अगर आपको कुछ नहीं है, नॉर्मल मौसम है, तो आपको वैसे चलने देना, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। और चलो इसको कैसे चेंज करते हैं, हमने यहाँ प्रेस किया, ये 15 हो गया और ये आपका 90, 30 मिनट मतलब उसकी जो टाइमिंग बढ़ जाती है। फिर हम इसको हटा दिए, मतलब दो बार प्रेस करोगे, जैसे अभी आधा घंटा दिखा रहा है, तो अगर 15 करते हैं तो 75, मतलब 30-15 मिनट ये बढ़ गया, फिर 30 पे करते हैं तो ये 90 मिनट हो गया, इसी तरह ये टाइमिंग बढ़ जाएगा और बिल्कुल इतना स्पिन कर देगा, इसका जो पानी होगा बिल्कुल निचोड़ के रख देगा। तो इसको फिर दबाएंगे तो ये फिर से प्रोग्राम। अब यहाँ पे एक चाइल्ड लॉक, चाइल्ड लॉक कैसे करना है, फंक्शन और मॉनसून को दबा के रखना है 3 सेकंड तक, ये देखो चाइल्ड लॉक हो गया। तो इसी को हटाने के लिए फिर आपको 3 सेकंड तक दबा के रखना पड़ेगा, ये चाइल्ड लॉक हट गया। अब जब भी आपका पूरा प्रोग्राम हो जाता है तो आपको ये स्टार्ट बटन दबाना है, स्टार्ट बटन दबाते ही, स्टार्ट बटन यानी कि ऐसे दबाएंगे तो ये
अपना पानी लेना फंक्शन शुरू हो जाएगा तो हम इसको रोक देते हैं, पुश कर दिए हैं। और अगर मान लीजिए आपने कुछ कपड़े डाले, कुछ कपड़े भूल गए, तो आप इसको फट से यहाँ पे जैसे चलाए हो, कुछ कपड़े चलाए कुछ नहीं, तो इसको अगर उठाते हो ना, तो इसको ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे पॉज कर देना। पॉज करने से फिर आप गेट खोलोगे तो इसके अंदर कपड़ा डाल दोगे। तो इस प्रकार से ये इनकी जो खूबियाँ हैं, ये काफ़ी अच्छी वॉशिंग मशीन है, तो हमने अभी ले आए हूँ। तो बस ये इस मकसद से लाया हूँ कि आपको हम अब फ्रंट लोड की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो हम पहले आपको फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की बहुत वीडियो दिखा दिए हैं और बहुत काफ़ी समझाए हैं, क्योंकि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का पूरा कार्य पूरा कर चुके हैं। अब आ गई हमारे पास टॉप लोड की वॉशिंग मशीन। तो हम टॉप लोड की वॉशिंग मशीन आपको सिर्फ ये वीडियो बनाने के ही मकसद से लिया हूँ कि आप लोगों को जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो चलिए, कैसे लगी आप बिल्कुल कमेंट करके बताना। तो ये देखिए, हम वॉशिंग मशीन ले आए हैं और ये आपको बिल्कुल बताने के लिए। तो ये दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन हो गई, अब इसको हम पावर को बंद कर देंगे। तो आपको मैं जानता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ हो जाएगा। जब आप पूरा कनेक्शन कर देंगे ना, तो आपको बस चलाने के पहले आपको टोटी या टब जो नल है उसको खोल देना है। खोलने के बाद आपको पूरा फंक्शन करना है। फंक्शन में आपको, जैसे हमने पावर बंद कर दिया, तो आपको सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, टोटी को चालू करना पड़ेगा, जो नल है नल को चालू करना पड़ेगा। नल चालू करने के बाद यहाँ पे पावर की बटन दबाएंगे। पावर का बटन दबाते ही फिर आपको गेट खोलना है, इसमें जो आप कपड़ा डाल देंगे। कपड़ा डालने के बाद फिर आपको यहाँ फंक्शन में तीनों को लेना है, एक दो तीन, तीनों को ले लेना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको वाटर लेवल ले लेना है। वाटर लेवल ये लेना है कि जो आप कपड़ा डाले हो उसी के अनुसार पानी लेना है, कि हाँ कपड़ा उसमें पानी रहे, तो उसी के अनुसार को इसको लेवल आपको सेट करना पड़ेगा। ये देखिए, लेवल सेट करने के बाद, तो ज़्यादा हम चार लेवल पे ही चलाएं, तो इस पर हम सेट कर देंगे, पानी कपड़ा डाल देंगे और यहाँ खोलेंगे। ये डिटर्जेंट बॉक्स होता है, इसी में आप डिटर्जेंट डाल देंगे। डिटर्जेंट डालने के बाद इसको आपको बंद कर देना पड़ेगा। फिर ये डोर को गिरा देना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पे जो साइकिल लिखा हुआ है, इस पर आपको यहाँ पे नहीं लेना, ज़्यादातर नॉर्मल भी करते हैं, तो इनको हम प्रेस करके ला दे रहे हैं। जहाँ भी आपको करना है वहाँ कर, तो हम नॉर्मल पर ला दिए। अभी फंक्शन यहाँ पे हो गया, बस आपको यहीं से स्टार्ट बटन दबा देना है। स्टार्ट बटन दबाते ही ये पूरी वॉशिंग मशीन चलना शुरू हो जाएगी, अपना कार्य करना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से ये कार्य करेगी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।